और दूध, और ये रहे बनाना केले, तो ये मेरी डाइट होती ठीक है। है। बढ़िया बढ़िया। फिर ले चैनल तेरा। हाँ यूट्यूब चैनल है। अच्छा यूट्यूब। मजा आ गया। नहीं बढ़िया लग रहा है अंशुल। अंशुल छुप क्यों रहा है तू? तेरा पापा नहीं देखता तेरे को? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? होप करता हूँ मस्त होगी, फुल एंजॉय कर रही होगी, एकदम बढ़िया। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ, एक नंबर। तो आज है संडे और संडे के मॉर्निंग के 8:45 हो रखे हैं। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, अभी मैंने मुँह वगैरह धोया है। तो चलते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा, तो चलो लेके चलते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों अभी सुबह का व्यू आपको बता रहा हूँ अपने घर की छत के ऊपर से। देखिए दूर दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, बढ़िया एक नंबर। और ऐसा कुछ व्यू है, धूप चमकी हुई है बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप। मम्मी ने यहाँ पे कपड़े वगैरह धो दिए हैं, आज संडे है ना इसलिए संडे को धोने ही पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है, और इस साइड जो है घास वगैरह रखा हुआ है मेरे अंकल जी ने। सो गाइस देखा आपने आज का व्यू, काफ़ी सुंदर है आज का व्यू। धूप निकली हुई है बढ़िया, थोड़े थोड़े बादल भी छाए हुए हैं ऊपर। चलते हैं अंदर, ऊपर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या रहता है वो आपको दिखाऊंगा, तो चलो। तो अभी मैं अंदर पहुंच चुका हूं अपने रूम में, और ये रहा मेरा रूम, सारा बिखरा पड़ा हुआ है देख सकते हैं आप पीछे सब कुछ। तो ये रहती है मेरी डाइट सुबह की। सुबह की क्या मतलब, रात को भी मैं जब जिम से आता हूँ तो तब भी यही डाइट फॉलो करता हूँ, और मॉर्निंग में तो करते करता हूँ। ये रहे चने, काले चने और बादाम, और साथ में एप्पल और दूध, और ये रहे बनाना केले। तो ये मेरी डाइट होती है कुछ दिन की, मतलब जितने अभी खा रहा हूँ इतने शाम को खाऊंगा, तो ऐसी कुछ डाइट है। तो आज का डाइट प्लान मैंने आपको बता दिया, तो ये रहा मेरा आज का डाइट प्लान। डाइट आज का नहीं मतलब शेड्यूल है मेरा डेली, मैं यही डाइट यूज करता हूँ सुबह भी और शाम को भी। तो अगर आपको भी बॉडी बनानी है ना, तो जल्दी से डाइट को फॉलो करें। तो अभी के लिए मैं निकल रहा हूँ, अपने मम्मी ने बोला कि कुछ काम है ना उसको निपटा लेते हैं, उसको लाना पड़ेगा दुकान से सामान, मतलब दाल और पता है दाल और चावल खा के तो डेली का आग चुके हैं, खाए नहीं जाती। आज हरी भरी सब्जी लेके आऊंगा, तो चलते हैं दुकान में। पापा की स्कूटी खड़ी हुई है तो उसको लेके चलते हैं आज। काफी दिन हो गए इसको चलाए हुए, हम चला के देखते हैं आज। और ये खड़ी हुई है अपनी धन्नो, इसको भी आज हम अच्छे से साफ कर देंगे, धोएंगे इसको। और ऊपर फिर से आज बादल छा गए, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, अब फिर से मौसम ठंडा ठंडा हो गया। तो अभी निकलते हैं और मार्केट जाके लाते हैं सब्जी। और देखिए ऊपर देखिए आसमान पे कितना अच्छा व्यू हो रखा है, मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार। बादल छा गए, धूप भी निकली हुई है, पर थोड़ी देर में सारा मौसम ठंडा ठंडा हो और कूल कूल हो जाएगा। तो ये रही वो शॉप, यहाँ पे लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, सब्जी लेनी है, घी है नहीं यहाँ, 100 रुपये किलो है, प्याज 2 किया 2 किलो, किलो प्याज 2 किलो पा दो। सो भाई फाइनली मैंने सब्जी वगैरह ले ली, अब चलते हैं घर। लौकी की सब्जी ली और मैंने प्याज वगैरह लिया जो खत्म हो चुका था। और ऐसा कुछ माहौल है आज का, देख सकते हैं आप अपने रोड का। और पापा की स्कूटी चला के ना बड़ा मज़ा आता है, पहले मैं ही चलाता था उसको, मैं ही यूज करता था, अपने चंडीगढ़ के लिए आना जाना होता था इसके ऊपर। तो अब तो सारी की सारी थोड़ी सी डैमेज हो गई है साइड से, तो मैंने पापा को दे दिए। पापा जो है इसको यूज करते हैं अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस से आते जाते हैं घर।
तो यहाँ पे शंभू जी आए हुए थे तो उनको मैंने दक्षिणा दी। चलते हैं खेतों की और मम्मी देखते हैं क्या कर रहे हैं। मैं तो सब्जी लेके आ चुका हूँ और मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी चली गई है खेतों में। तो चलते हैं खेतों की और देखिए दोस्तों, ये वो खेत है जो मैंने हाथों से खुना था और मम्मी ने पूरा का पूरा तैयार कर दिया है। पूरे के पूरे खेत में कुछ ना कुछ लगा दिया है मम्मी ने, लहसुन, मटर के बीज और भी बहुत कुछ है। चल तो अब चल नानी घर, अब क्या देख रही? देखिए गाइस, ये फलियां लगी हैं हमारे खेत में। क्या बोलते हैं मम्मी इनको? सब्जी होती है इनकी बहुत ही टेस्टी, रौंगी की सब्जी। पे मूली के बीज निकल चुके हैं, देख सकते हैं धीरे धीरे, थोड़े दिनों में हरा भरा हो जाएगा खेत हमारा। इस साइड लगी हुई है देखिए, काफ़ी ज़्यादा फलियां लगी हुई हैं यहाँ पे खाने के लिए। बहुत टेस्टी सब्जी होती है इनकी, देखिए दो किस्म की है वो, देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ पे हरी है देख सकते हैं आप। चलें अब, चल खाना बनाना, मम्मी खाना भूख लगी है। तो मम्मी का मन करे तो ये पूरा दिन खेतों में रहे, है ना? जब देखो खेतों में मिलते हैं, कभी घर में मिलते ही नहीं। काम तो करना पड़ता, तो अब कर तो दिया है, अब क्या करना है खेतों में। तो चलते हैं घर में। और इस साइड है हमारे घर की साइड ताल है छोटा सा पानी का, तो यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं बच्चे, पर आजकल कहाँ खेलेंगे। ग्राउंड में यहाँ पे पानी हो गया है, जाग नहीं, बढ़िया लग रहा है। अंशुल छुप क्यों रहा है तू? तेरा पापा नहीं देखता तेरे को? आ गया है तू वीडियो में, अब तो अब नहीं होता कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, ये है मेरे दोस्त हरपाल और ये है अंशुल। हाय करो दोनों, तू भी करो, ये ऐसे करते हैं आए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ किचन में और यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ। लंच टाइम हो चुका है और लंच में मम्मी ने बनाए हैं अरबी के पत्तों के पतरेडू और साथ में है दही और पानी और ये रही चपातियाँ जो मम्मी ताज़ी बना रही है यहाँ पे। तो करते हैं जल्दी अपना लंच, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पे मेरे मास्टर जी लेके आए थे सेब की पेटियाँ जो कि मैंने खाली कर दी है। तीन पेटियाँ लेके आए थे, ये नीचे वाली भी खाली है और ये वाली भी खाली है और एक यहाँ पे रखी हुई है मम्मी ने जो लास्ट वाली बची हुई है। देखिए पूरे के पूरे लाल हैं। सुबह मैं जो हूँ अपने लैंटर पे आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हैं आप। शाम का टाइम हो रखा है और देखिए व्यू, देखिए शाम का पक्षी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं पीछे, देख सकते हैं आप ये रहे।